डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। इस पुस्तक में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार है और इसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं की है, ना कि इसके वाचक की। इस आलेख में दिए हुए संदर्भ तत्कालीन है, बहरहाल सुनते समय कृपया उन्हें समकालीन मापदंड न लगाएं। लेखक के विचारों को सीधे लोगों तक पहुंचाना यही इस पठन श्रृंखला का एकमात्र उद्देश्य है। नमस्कार, द म्यूजिक बुक क्लब तहत मैं डॉक्टर मानसी अरकड़ी उस्ताद विलायत हुसैन खां द्वारा लिखी संगीतज्ञों के संस्मरण ये किताब प्रस्तुत कर रही हूं। संगीत और हिकमत। संगीत का हिकमत से गहरा संबंध है, जिसको समझने वाले अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे पहले लय को ले लीजिए, जिसको वजन भी कह सकते हैं। इसका हिकमत में बड़ा दखल है। इंसान की नब्ज और सांस लय में चलती है। अगर ये लय से खारिज हो जाती है तो इंसान बीमार हो जाता है और बढ़ने से मौत के नज़दीक पहुंच जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिंदगी का दारोमदार इन्हीं चीज़ों पर है और ये लय संगीत का आधा हिस्सा मानी जा सकती है। कुछ बुजुर्गों ने इस राज को समझा था कि जिंदगी का दारोमदार कुदरत ने सांसों के शुमार पर रखा है, इसलिए वे अपनी सांस को बढ़ाने का प्रयत्न करते थे। वे एक ही सुर पर कायम हो जाते और इतनी देर तक ठहरते कि दूसरी सांस लिए बिना चारा ही न रहता। इसका नतीजा ये हुआ कि जितनी देर में वे पहले चार सांस लेते थे वहाँ एक से ही काम निकल आता था और इस तदबीर में सुरों में भी अच्छी तासीर पैदा होती थी, साथ ही उससे उनकी उम्र भी बढ़ती थी। मैंने बड़े बूढ़ों से सुना है कि दरवेश, साधु और योगी इस चीज़ पर पूरा पूरा अमल करते थे, इसी कारण उनकी उम्र दो दो चार चार सौ बरस तक की होती थी। हमारे दादा साहब गुलाम अब्बास खां की उम्र 120 साल की हुई। मैंने उन्हें अच्छी तरह देखा है, उन्होंने भी अपनी सांस को बहुत बढ़ाया था। गाना उनका बहुत ही पुरस्सर होता था। सांस बढ़ाने की कोशिश तो वो बुढ़ापे में भी करते रहे और सांस को कभी तेज नहीं होने दिया। उनको कभी भागते दौड़ते भी नहीं देखा। वे हमेशा बहुत धीमी चाल से चलते थे, जिससे सांस की रफ्तार तेज न हो। उन्हीं से मुझे ये भी मालूम हुआ कि वे 30 बरस तक ब्रह्मचारी रहे। वे खुराक बहुत कम मगर ताकत देने वाली खाते थे और सांस के वजन को कायम रखते थे। गाने से कितने ही रोग भी अच्छे होते हुए सुनने में आए हैं। हैदराबाद दक्कन के महाराजा कृष्ण प्रसाद को आखिरी जमाने में बुरे सपनों का मर्ज पैदा हो गया था और रात रात भर नींद नहीं आती थी। बहुतेरा इलाज दवा दारू करने के बाद हकीमों ने ये राय दी कि आप रात को गाना सुना करें। महाराज को भी ये राय पसंद आई और वे रात को सोने से पहले अब्दुल करीम खां वगैरह सरकारी गवैयों को बुलवाते और गाना सुनते। धीरे धीरे उन्हें नींद आने लगी और जो शिकायत थी वो जाती रही। इसी तरह मेरे एक घनिष्ठ मित्र अन्ना साहब नांदनीकर वैद्य है, जो बेलगांव में रहते हैं। खुद उनको भी दिल की धड़कन की बीमारी हो गई थी और उनका दिल इतना धड़कता था कि बेहोश हो जाते थे। एकाएक उनके ख्याल में ये बात आई कि गाना सुनना चाहिए और उसके बाद वे हर रोज़ शाम को किसी कलावंत को या तो अपने घर पर बुलाते या खुद उसके घर जाकर घंटा दो घंटा गाना सुनते थे।
थोड़े ही दिनों में उनके दिल को चैन आने लगा और धड़कन जाती रही। ये बात मैंने खुद वैद्य जी के मुंह से सुनी है। खुद गाने वाले के लिए बहुत बार संगीत बड़ी अच्छी दवा साबित होता है। अक्सर देखा गया है कि गाने वालों को फेफड़े की बीमारी बहुत कम होती है, क्योंकि उनके फेफड़ों को वर्जिश का मौका मिलता रहता है। उनसे गंदी हवा निकलती रहती है और अच्छी हवा पहुंचती है, जिससे कोई बड़ी बीमारी पास नहीं आने पाती। गाने वाले के दिल को अपने गाने से बड़ी प्रसन्नता होती है और उसे आराम और शांति मिलती है। संगीत और कविता। कविता में भी सबसे बड़ी चीज लय है। कविता, दोहरा, पद, गजल, रुबाई सब किसी न किसी लय में ही होती है। अगर ये लय से खारिज होंगे तो बेताले माने जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो समझदार और कामिल शायर होगा, वो अक्सर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा जिनमें संगीत होगा। इसके अलावा ये भी है कि कविता, दोहरा, छंद, पद, गजल, रुबाई, मसनवी वगैरह सीधे तौर पर पढ़ दी जाए तो असर कम होता है। अगर उन्हें किसी धुन में या किसी रागिनी में पढ़ा जाए तो उनमें चार गुना रंग आ जाएगा। आजकल के मुशायरों में हमें ये बात आम तौर से नज़र आती है कि जो गज़लें तरन्नुम के साथ अर्थात गाकर पढ़ी जाती है, उनका असर सुनने वालों पर बहुत गहरा पड़ता है और मुशायरे में भी बड़ा रंग आ जाता है। इस बात से ये साफ जाहिर है कि संगीत का शायरी के साथ भी कम लगाव नहीं है। बुजुर्गों के कुछ उपदेश। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मतलब ये है कि सिर्फ एक ही सुर पर आवाज को कायम किया जाए। तंबूरे का एक ही तार बजाकर स्वर फिराते रहे। जब आवाज सुर पर कायम हो जाए तो इसका फायदा ये होगा कि बाकी तमाम सुर सच्चे और सुरीले लगने लगेंगे और एक के सधने से सबको साधने का मतलब पूरा हो जाएगा। इसके विपरीत अगर एक ही वक्त में सातों स्वर लगाने की कोशिश की जाए तो एक भी स्वर सच्चा न लगेगा और इस तरह सब साधे सब जाए की बात पूरी होगी। इसी तरह पहले सिर्फ एक ही रागिनी विद्यार्थी को सिखाई जानी चाहिए, जिसे वो हर रोज दोहराता रहे। इसी में उसे अस्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग की ताने समझाए, बढ़त का तरीका बताए, आरोह अवरोह का तरीका दिमाग में बैठाए, विलंबित, मध्य और द्रुत तानों का कायदा याद कराए और आकार, ईकार, उकार वगैरह गले से निकलवाए। मतलब ये है कि गायकी की बहुत सी तरकीबें इसी एक रागिनी में समझा दी जाए। जब विद्यार्थी उन्हें समझकर गाने लगे तो वो इस राग का माहिर माना जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि आइंदा जो रागिनियाँ सिखाई जाएंगी वे जल्दी जल्दी समझ में आने लगेंगी और गले को भी ज़्यादा तकलीफ न होगी। इस तरह से भी एके साधे सब सधे का मतलब पूरा होगा। यही बात ताल के सबक के बारे में भी सही है। ये ज़रूरी है कि विद्यार्थी को पहले एक ताले की 12 मात्रा रटवाई जाए और 12 मात्रों का ठेका भी सिखला दिया जाए, बल्कि उसे यह जबानी याद करा दिया जाए। अगर हाथ से बजाना भी सिखा दिया जाए तो बहुत फायदेमंद होगा। जब इस ताल का खाली और भरा विद्यार्थी के दिल में बैठ जाएगा और वो वजन अच्छी तरह से समझ जाएगा तो आइंदा दूसरी ताले भी वह जल्दी जल्दी याद कर सकेगा और इस तरह एके साधे सब सधे का सही मतलब निकल आएगा।
आसन बैठे ऊंट की तब हो सिद्ध आलाप। ये बात हमने बड़े बड़े बुजुर्गों से सुनी है और इसमें कोई शक नहीं कि ये समझने और अमल करने के काबिल है। मतलब इसका ये है कि गाने वाला अपनी मनमानी बैठक बैठकर न गाए, बल्कि दोनों घुटने मोड़कर ऊंट की बैठक में बैठकर गाए। इस बैठक में बहुत से फायदे हैं। सबसे पहला तो ये कि जिस्म का ऊपर वाला यानी नाभि से सिर तक का हिस्सा सीधा रहता है और आवाज़ जिसका सीधा संबंध नाभि से है निकालने में कोई रुकावट नहीं होती। इससे सांस भी ज़्यादा कायम रहती है। इन फायदों को मालूम करके ही बुजुर्गों ने यह मसल कायम की है। दिखियां सिखियां परखियां, ये बात लोगों में पुराने जमाने से चली आ रही है। इसका मतलब कुछ छिपा हुआ नहीं है, मगर मैंने ये सोचा कि किताब में लिख देने से आने वाली पीढ़ियों को फायदा पहुंचेगा। पहला शब्द है दिखियां यानी देखो। अब हम अगर इसके लफ्जी मानों पर ख्याल करेंगे तो इसका कुछ मतलब नहीं निकलता, पर यह साफ जाहिर है कि यहां देखने से मुराद सुनना है, क्योंकि गाना कोई आंखों से नजर आने वाली चीज नहीं बल्कि सुनने की चीज है। गाना सुनने से सुनने वाले को और खासकर सीखने वाले को जो फायदे पहुंचते हैं वे जाहिर है, बल्कि सही मानी में सुनने से ही गाना आता है। बिना सुने कोई विद्यार्थी ये मालूम ही नहीं कर सकता कि गाना क्या चीज है। इसलिए दिखियां शब्द का एक बड़ा गहरा मतलब ध्यान में आता है। शायद दिखियां से मतलब यही है कि दिल की आंख से इसे देखो और दिल के कानों से इसे सुनो। दूसरा शब्द है सीखिया यानी सीखो। मतलब साफ है कि सुनो और सीखो। उस्ताद अपने गले से सुर अदा करे, शागिर्द सुने और फिर अपने गले से निकाले। इस तरह जानकारी बढ़ती जाएगी और हर चीज गले से निकलने लगेगी। साथ ही एक उस्ताद से सीख लेने के बाद भी सीखिया का मतलब पूरा नहीं हो जाता, उसका उपयोग आगे भी होता रहता है और वो इस तरह कि जब किसी गायक से कोई नई चीज सुनो तो उसे हासिल कर लो। अगर ऐसा मौका न भी मिले तो उस चीज पर पूरी तरह ध्यान देकर उसे गले से अदा करने की कोशिश करो, जिससे एक हद तक कामयाबी हासिल हो जाए। अब ये अपना अपना दिमाग है कि कोई जल्दी हासिल कर लेता है और कोई देर से। ये एक स्वाभाविक चीज और प्राकृतिक देन है। बुजुर्गों से सुना है कि विद्यार्थी को पहले एक उस्ताद से अच्छी तरह सीखना और अपना कोर्स पूरा कर लेना चाहिए, उसके बाद जहां कोई नई चीज पाई उसे हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि कला की जानकारी बढ़ती जाए। मेरे उस्ताद कहा करते थे कि 100 आदमियों का शागिर्द होगा तब एक उस्ताद बनेगा। तीसरा शब्द है परखियां यानी परखो, जांचो, तोलो, आजमाइश करो। वास्तव में इस शब्द का अर्थ बहुत ही गहरा है। एक तरह से इसमें देखना, सीखना, परखना सभी चीजें शामिल हो जाएंगी। अपनी राग रागिनियों को जांचने और उनकी असलियत मालूम करने के लिए ये जरूरी है कि बहुत से कलावंतों को सुना जाए और गौर किया जाए कि उनमें और हम में क्या फर्क है, उनका राग हमारे राग से मिलता है या नहीं। सच्चाई पैदा करने का तरीका यही है कि एक ही राग को अलग अलग जगह सुनकर फर्क को समझो और जो अधिक लोगों को मंजूर हो उसी पर मशक करो। किसी एक ही उस्ताद से हासिल की हुई राग रागिनियों में गलती होने की संभावना है और इसकी कई वजह है। एक तो ये कि शायद सीखते वक्त उस्ताद से कुछ भूल हो गई हो,
दूसरी ये कि शागिर्द ने सीखने के बाद कोई चीज भुला दी हो। तीसरी ये भी मुमकिन है कि कोई भूल चूक न हुई हो, मगर अपनी तबीयत से किसी ने कोई चीज बढ़ा दी हो, तो इस तरह का राग संगीत जगत में माना नहीं जाएगा। यही वजह थी कि बुजुर्गों ने दिखियां, सिखियां और परखियां की कारामद नसीहत की है। करता उस्ताद ना करता शागिर्द। इस कहावत में मेहनत और रियाज की नसीहत की गई है। गाना एक बड़ी मुश्किल चीज है जिस पर दिन रात अमल करने की जरूरत है। इस पर जिस कदर मेहनत की जाए थोड़ी है। संगीत की दुनिया में जिसने भी नाम पाया है मेहनत ही से पाया है। कोई आदमी फन में बड़ा माहिर हो, बहुत सी राग रागिनियां सीखी हो, चीजों की याददाश्त भी काफी हो, मगर अमल नहीं है तो वो महफिल में बैठकर गा नहीं सकता, और अगर गाए भी तो सुनने वाला खुश नहीं हो सकता। दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति जिसे इल्म की जानकारी तो कम है मगर मेहनत जबरदस्त है, उसका स्वर सच्चा, तान जोरदार, लय पुख्ता है, तो ऐसा शख्स महफिल में बैठकर मजलिस को अपने गाने से खुश कर देता है। ये करता उस्ताद ना करता शागिर्द की खुली हुई मिसाल है। दरअसल संगीतज्ञों को मेहनत की बेहद जरूरत है। मेरे उस्ताद कहा करते थे कि अगर लोहे के टुकड़े को पत्थर पर घिसा जाएगा तो वो आईने की तरह चमकने लगेगा, यहाँ तक कि उसमें आईने की तरह ही सूरत नजर आने लगेगी। इसका मतलब जाहिर है कि मामूली चीज पर भी पॉलिश करने से उसकी हालत बदल जाती है, तो फिर अगर ऊंची और आला चीज पर कोई मेहनत करके उसे चमकाएगा तो वो किस कदर दिल को खींचने वाली और अच्छी होगी। जलोकंठ बिन राग। इसका मतलब जाहिर है कि अच्छी आवाज के बिना राग जल गया। राग जलने से अभिप्राय मजा किरकिरा होने का है। बुजुर्गों की ये नसीहत याद रखने के काबिल है। वास्तव में बुरी आवाज वाले आदमी के गाने में कोई लुत्फ नहीं आ सकता, लेकिन पुराने उस्तादों ने कुछ तरीके, कुछ रखरखाव ऐसे बनाए हैं जिनसे खराब आवाज वाला आदमी भी अपने गले को मीठा कर सकता है। और ये सच है कि पुराने बुजुर्गों में बुरी आवाज वाले भी कोई कोई थे, मगर उस्तादों के बनाए हुए तरीकों पर मेहनत करने से उनकी आवाज में लोच पैदा हुआ और असर भी, और वो हिंदुस्तान के मशहूर गाने वालों में शुमार हुए। उपजत अंग स्वभाव। गाने वालों के लिए ये बात बुजुर्गों ने बहुत सोच समझकर बनाई है। कलावंत जब गाने को बैठता है तो पहले वह अपने घराने के तरीके से अस्थाई, अंतरा वगैरह पूरा करने के बाद स्वर की बढ़त शुरू करता है। इस बढ़त में सुरों का लगाव, मिंड, सूत, लहक, घसीट वगैरह बहुत सी चीजें शामिल होती है, और जैसे जैसे गाने वाले का दिमाग काम करता है वैसे वैसे वह अदा करता जाता है। ये बढ़त विलंबित लय में होती है, मगर खास खास मौकों पर इसमें मध्य और द्रुत लय की भी छोटी छोटी ताने लगाई जाती है, और इनको शामिल करने से एक खास जान पैदा हो जाती है। जब गाने वाला बढ़त करते करते टिप के स्वर पर पहुंचकर अपने उपजत अंग स्वभाव से काम लेकर नई नई तरकीब से स्वर लगाता है, तो इस लगावट से एक असर पैदा होता है जिससे सुनने वाले बेचैन हो जाते हैं। मगर इस बेचैनी में एक खास मजा उनको आता है, और वो चाहते हैं कि बार बार इन्हीं तरकीबों को सुना जाए।
ऐसे गाने से उनका दिल नहीं भरता। एक तरफ सुनने वालों का ये हाल होता है, दूसरी तरफ गाने वाले की ये हालत होती है कि वो खुद नहीं समझ सकता कि ताने कहाँ से निकल रही है, आवाज़ कहाँ से पैदा हो रही है। एक मस्ती सी छा जाती है, वक्त का भी कोई अंदाज नहीं रहता कि कितनी देर गाया। और यही हाल सुनने वालों का भी होता है कि वे भी नहीं समझ सकते कि कितना वक्त गुजर गया। बहुत मौकों पर देखा गया है कि गाने वाले ने चार चार घंटे गाया है और सुनने वालों ने सुना है, मगर दोनों को वक्त भारी नहीं हुआ। ध्यान देने से मालूम होता है कि यह रंग उपजत अंग स्वभाव ही भर देता है।